नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दो दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें ये प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जो घटना हुई थी, दुर्घटना हुई थी, या ये कह सकते हैं कि दुर्घटना होते होते बच गई थी। 5 तारीख को पंजाब के एक फ्लाईओवर के ऊपर भारत के प्रधानमंत्री का कॉन्वॉय काफिला 20 मिनट के लिए फंसा रहा। देश के इतिहास में ये सबसे पहली घटना थी इस प्रकार की, इस तरह की, और ये बड़ी शर्मनाक घटना थी। पंजाब और सिखों को बैट लाइट में पेश करने का काम वहां की कांग्रेस सरकार ने किया था, जो कि चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में काम कर रही है। लेकिन इसके लिए जवाबदार चन्नी है या कोई और है, या फिर इसके अंदर कोई और ताकतें काम कर रही है, नहीं कर रही है, या फिर सीमा पार से इस विषय में कहीं से आदेश आ रहे थे, नहीं आ रहे थे, या फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी का किसी से हाथ मिला हुआ था इस विषय में, ये जानना और समझने के लिए आपको ये वीडियो पूरा अंत तक देखना बहुत जरूरी है। देखिए, आपको बता दें कि पंजाब के पुलिस खाते के साथ बहुत ज्यादा छेड़खानी की गई है पिछले 6-7 महीनों के अंदर। 6-7 भी नहीं, आप कह सकते हैं कि सितंबर से लेके दिसंबर तक, यानी 4 महीनों में, जब से वहां पर जो पिछले मुख्यमंत्री थे अमरिंदर सिंह, जिन्हें हटा दिया गया, और उसके बाद ये बने चरणजीत सिंह चन्नी, इस दौरान कई सारे फेरबदल किए गए, वो पंजाब के मुख्य सचिव हों, डीजीपी हों, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो देखिए, जब अमरिंदर सिंह सरकार में थे तो वहां पर बताए जाते हैं कि दिनकर गुप्ता नाम के डीजीपी थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। जब चन्नी आए तो उन्होंने इन्हें हटा दिया उस पद से, और इन्होंने इकबाल प्रीत सिंह सहोटा, यानी जिन्हें आईपीएस सहोटा कहते थे, आईपीएस का मतलब क्या है, इकबाल प्रीत सिंह सहोटा, इन्हें डीजीपी बनाया। और ये जो है, इन्हें जब बनाया गया डीजीपी, इसके बाद और उसी समय लगभग अनिरुद्ध तिवारी नाम के व्यक्ति को पंजाब का मुख्य सचिव बनाया गया, यानी चीफ सेक्रेटरी। ये सब होने के बाद वहां पर जो सिद्धू हैं, अब सिद्धू की पार्श्वभूमि पर बाद में आएंगे, लेकिन वहां पर सिद्धू हमेशा हस्तक्षेप करते रहे, और ये जो सरकारी अधिकारी हैं इनके विषय में हमेशा वो इंटरफेयर करते रहे, उनका विरोध करते रहे, उनके पोस्टिंग के विषय में, उनके नियुक्ति के विषय में, उनके ट्रांसफर के विषय में। खैर, ये सब चलते चलते यहां तक कि वहां के राज्य के एडवोकेट जनरल के विषय में भी उन्होंने हस्तक्षेप किया था, यानी वो अपना सरकार से बाहर रह करके कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए भी सरकार में, शासन में अपना वजूद बनाए रखना चाहते हैं। खैर, ये क्या है नहीं है ये भी आपको बात समझ में आएगी। इसके बाद आपको बताते हैं दोस्तों, जिनके लिए यही सिद्धू लॉबी कर रहे थे, ऐसे डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय, इन्हें चार्ज दिया गया, इन्हें डीजीपी बनाया गया टेम्पररी तौर पर, क्योंकि जो यूपीएससी का जो कमीशन है उनके यहां से अभी इन्होंने जो लिस्ट भेजनी चाहिए थी उसमें से कोई सिलेक्शन ये करवा नहीं पाए, उसको पूरा प्रोसीजर करवा नहीं पाए, या नहीं करना चाहते थे, वो तो भगवान जाने क्या है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये करवाना ही नहीं चाहते थे। तो उस समय दिसंबर 18 तारीख 2021, यानी आप समझ लीजिए कि ये जो 5 जनवरी 2022 की जो दुर्घटना हुई, या ये जो भी घटना हुई, इसके आप समझ लीजिए कि लगभग 17 या 18 दिन पहले इस डीजीपी ने चार्ज लिया होता है, और इस घटना के विषय में ये जानकारी आ रही है कि 1.5 घंटे के अंदर लगभग 12 कॉल एसपीजी ने डीजीपी को किए थे, लेकिन डीजीपी ने एसपीजी को बताया नहीं कि रोड ब्लॉक है, वहां पर प्रोटेस्टर्स जमा है, आंदोलनकारी जमा है। क्यों नहीं बताया, क्या उन्हें इंस्ट्रक्शन थे कहीं से? अब इंस्ट्रक्शन कहां से हो सकते हैं, नहीं हो सकते, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं कि इनकी नियुक्ति के लिए कौन पीछे पड़ा था। खैर, इसके बाद हम आते हैं एक विषय पर। अगर आपको याद होगी वो घटना, तो हम आपको याद नहीं भी होगी तो याद दिलाएंगे आपको। 19 अगस्त 2018, उस समय इमरान खान की शपथ विधि हुई थी जब वो प्रधानमंत्री बने थे, और उस समय यही सिद्धू पाजी, नवजोत सिंह सिद्धू, ये गए थे वहां पर, खुशी खुशी गए थे, और इन्होंने क्या किया था, तो जनरल बाजवा के गले मिले थे, याद आ रहे हैं आपको तस्वीरें? हाँ, तो इस तरह की ये पूरी परिस्थिति रही है। अभी आप हमें बताइए,
कि ये जो पूरी परिस्थिति है इसमें क्या सही है और क्या गलत है। इसके बाद दोबारा फरवरी 2019 में यही नवजोत सिंह सिद्धू वहां पर गए थे। क्या करने गए थे? ये करतारपुर कॉरिडोर का बहाना था, लेकिन इनकी नजदीकियां पाकिस्तान के मिलिट्री वालों के साथ या वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ कोई छुपी हुई बात नहीं है। सबसे मजे की बात यह है कि जब ये वहां इमरान खान की शपथ लेने के लिए गए थे, तब तीन क्रिकेटर और तीन क्रिकेटर्स को ये अपने साथ में ले गए थे। यानी इस तरह की ये बातें हैं कि ये पाकिस्तान के साथ गले मिले रहते हैं, पाकिस्तान के नेताओं के साथ, पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स के साथ, और ये यहां पर राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, प्रियंका वाड्रा हो, उन्हें कन्विंस करके, उन्हें विश्वास में लेकर के पंजाब के अंदर कौन डीजीपी बनेगा ये तय करते हैं। और इसके सिवा आपको एक बात बता दें, जिस जगह पर, जिस स्पॉट पर ये पूरी घटना हुई, वो फ्लाईओवर लगभग 15 से 20 किलोमीटर है बॉर्डर से, यानी जो पाकिस्तान बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर, यानी पाकिस्तान के डायरेक्ट फायरिंग रेंज में था वो काफिला प्रधानमंत्री का, हमारे देश के, भारत देश के। कितने शर्मनाक बात है ये। और पंजाब की पुलिस क्या करती रही? चाय पीती रही इन आंदोलनकारियों के साथ। ये नहीं कि भाई प्रधानमंत्री का काफिला सामने से आया है तो इन आंदोलनकारियों को खदेड़ा जाए, वहां से हटाया जाए, बिल्कुल नहीं। और इस कॉन्वॉय को, यानी प्रधानमंत्री के जो कॉन्वॉय, उसे कौन लीड कर रहे थे? तो वहां के एसएसपी लीड कर रहे थे, और उन्हें डीजीपी से बिल्कुल ये मैसेज प्राप्त नहीं होता, नहीं मिलता कि उस रूट पर जहां पर आप जा रहे हो वो रूट पर आंदोलनकारी है, आपका रूट ब्लॉक हो चुका है, आप वहां से नहीं जा सकते, आप ऑल्टरनेटिव रूट से निकल जाइए। इस तरह के डीजीपी आप समझिए कि ये इकबाल प्रीत सिंह के बाद डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय, और आज फिर डीजीपी की बदली हुई है। जैसे ही ये चुनाव की घोषणा हुई पांच राज्यों की, उसके तुरंत पहले आदेश निकाल दिए गए। और क्या आदेश निकले? नए जो डीजीपी आए हैं उनका नाम बताया जा रहा है वीरेश कुमार भवरा। अब ये कौन सा भवरा है और कौन से फूल पर जाके बैठेगा ये तो पता नहीं है, लेकिन जरूर चन्नी और सिद्धू इन्होंने मिल करके कोई नया षड्यंत्र रचा होगा कि आने वाले इस चुनाव में किस तरह से कांग्रेस को जिताया जा सके और कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा विधायक लेकर के सत्ता में आ सके। लेकिन वहां की जनता, जो पंजाबी कौम है, जो सिख कौम है, ये काफी सतर्क हो चुके हैं। हमें जो ग्राउंड लेवल से, जमीनी सूत्रों से जानकारी प्राप्त हो रही है कि वो लोग तो ऐसे देशद्रोहियों को जूते से मारने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि जो देश के प्रधानमंत्री को दांव पे लगा दे, प्रधानमंत्री की जान दांव पे लगा दे, पाकिस्तान के फायरिंग रेंज के अंदर ला करके उन्हें 20 मिनट वहां रोक दे, ताकि फिर पीछे से भी आंदोलनकारी आकर के उन्हें जाम कर दे, ना वो आगे जा सके ना पीछे जा सके, उन्हें सिर्फ साइड से कूदने का एक ऑप्शन रह जाएगा, या नीचे से कोई बॉम्ब लगा करके उड़ा दे, या फिर पाकिस्तान से जो नॉर्मल उनका आर्टिलरी फायरिंग होती है, शेल्स वगैरह, वही वहां पर आकर के गिर जाए। इसी तरह के ऑप्शन उन्होंने छोड़े थे। ये तो भोलेनाथ का आशीर्वाद है, महाकाल का आशीर्वाद है, और अकाल तख्त का आशीर्वाद है, जिस वजह से प्रधानमंत्री को उस समय ये सद्बुद्धि आई और उन्होंने तुरंत कह दिया एसपीजी से कि अब यहां से लौट चले। वरना वो जब एयरपोर्ट वापस पहुंचे तो उन्होंने वहां पर जो पंजाब के स्टाफ से जो कहा, सरकारी लोगों से, कि आपके मुख्यमंत्री से धन्यवाद कहिएगा कि हम यहां तक जिंदा वापस लौट के आ गए। ये जो हमने आपको पूरा विदेशी संबंध बताया, इससे आप खुद समझ चुके होंगे कि क्या परिस्थिति है, क्या नहीं है। खैर,
इसमें क्या होने की संभावना है, नहीं है, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स केंद्र की यूनियन होम मिनिस्ट्री यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जांच चल रही है। उनके दो या तीन मेंबर पैनल का गठन किया गया है कुछ, और वो इसमें पूरी जांच कर रहे हैं, और हमें पूरा विश्वास है, पूरी खातरी है और फुल कॉन्फिडेंस है कि वो हर पहलू को कंसिडरेशन में लेके, विचार में लेके और सही निर्णय लेंगे, और ये जांच पूरा अंत तक बराबर पहुंचेगी और सही सही लोग उनके गिरफ्त में आएंगे, और ये आखिरी से आखिरी इंसान तक को नहीं छोड़ेंगे, वो हर एक की जांच करके और निर्णय लेंगे, और उसमें से कोई भी इंसान जो भी गुनेगार हो सकता है वो बच नहीं पाएगा, इसका हमें पूरा पूरा विश्वास है। हमने जो आपके सामने आज ये पूरी जानकारी रखी, ये आपको कैसी लगी ये जरूर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, और अगर आपको हमारा ये वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए आए हैं तो जरूर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन का लिंक दिया हुआ उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन यानी सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको हमारे हर वीडियो और हर एपिसोड की जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो, और आप सबसे पहले हमारा वीडियो देखकर सही सही जानकारियां प्राप्त कर सके। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए दोबारा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।